हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं न्यूटन रैप्सन मेथड पे, जो कि न्यूमेरिकल मेथड इस यूनिट के अंदर प्रेजेंट है। न्यूमेरिकल मेथड में वैसे तो 8 से 10 टोटल डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स है, अलग अलग ब्रांच में अलग अलग मेथड्स है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में 8 मेथड है, सिविल में 10 मेथड्स है। अभी यहाँ पे पर्टिकुलरली वीडियो के अंदर हम सिर्फ न्यूटन रैप्सन मेथड पे फोकस करने वाले हैं कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। ओके, सो क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है। वी हैव टू फाइंड द रूट ऑफ 3x इक्वल टू cos x प्लस 1 यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। सो स्टार्टिंग हमें करना है फंक्शन से, पहले हमें फंक्शन चाहिए। अभी न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए साइड में लिख रहा हूँ, सो डेट हमें जो रिक्वायरमेंट है वो आपको समझ में आ जाएगा। न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस 1 इट इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एन। ये है फॉर्मूला ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। इसमें हम एन इक्वल टू 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2, 3, 4, 5, कंटिन्यू वो चलता रहेगा। ओके, अब ये फॉर्मूले पे अगर हमने फोकस किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें राइट हैंड साइड पे एक तो एफ चाहिए, एफ मीन्स फंक्शन, और नीचे उसका डेरिवेटिव चाहिए एफ डैश। तो अभी गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड करना है उसको हमें फंक्शन के फॉर्मेट में लेना है। बट गिवन इक्वेशन जो है ये इस टाइप से है, 3x इक्वल टू cos x प्लस 1, मीन्स एक टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे है और दो टर्म राइट हैंड साइड पे है। तो हमें फंक्शन जो लिखना है, फंक्शन में लिखते टाइम पे इक्वेशन की सभी टर्म्स आपको एक साइड में लेना है। मींस ये कॉस एक्स प्लस 1 को आप एक तो लेफ्ट साइड में लेकर आओ तो ये माइनस कॉस एक्स माइनस 1 हो जाएगा, या फिर आप 3x को राइट साइड में ट्रांसफर करो वो -3x हो जाएगा। तो दोनों चॉइसेस ओपन है आपके पास। अगर आपने राइट हैंड साइड की टर्म लेफ्ट साइड पे अगर लाया या लेफ्ट साइड की टर्म राइट साइड पे लेकर गया तो दोनों का भी आंसर सेम रहेगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ फंक्शन जो रहेगा उसमें पूरी की पूरी टर्म एक साइड में हमें चाहिए। तो कंसिडर यर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x एज इट इज, राइट हैंड साइड से कॉस एक्स को लेफ्ट साइड पे लाया तो माइनस कॉस एक्स, और प्लस 1 को लेफ्ट साइड पे लाया तो -1 इक्वल टू 0। ये हो गया फंक्शन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में हमेशा फंक्शन लेना है। ये हो गया फंक्शन। अभी फंक्शन के बाद आप देख सकते हो न्यूटन रैप्सन का जो फॉर्मूला लिखा है उसमें ऊपर फंक्शन चाहिए एफ, एफ मीन्स फंक्शन, और नीचे एफ डैश मीन्स उसका डेरिवेटिव चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे ले लो, एफ डैश ऑफ एक्स एट इज इक्वल टू 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस साइन x, और -1 का डेरिवेटिव 0, तो ये -1 यहाँ से निकल जाएगा, -1 का डेरिवेटिव 0, मींस ये हो गया वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स 3 प्लस साइन x। ओके, अब इसके बाद हमें इनिशियल रूट चाहिए। तो इनिशियल रूट फाइंड करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है टू फाइंड इनिशियल रूट, इनिशियल रूट जिसे हम x0 बोलते हैं। तो पहले हमें x0 का वैल्यू चाहिए। x0 आने के बाद फिर हम x1 x2 x3 फिर रिमेनिंग जो रूट्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यूटन रैप्सन के जितने भी प्रॉब्लम रहेंगे उसमें इनिशियल रूट फाइंड करने का एक पर्टिकुलर मेथड है। एंड मेथड इस टाइप से है कि पहले आपको गिवन फंक्शन के अंदर एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है, मीन्स एफ ऑफ 0 फाइंड करना है। तो गिवन फंक्शन के अंदर एक्स इक्वल टू 0, ये रहा फंक्शन एफ ऑफ एक्स। इसमें अगर हमने एक्स इक्वल टू 0 अगर पुट किया तो ये बन जाएगा 3 × 0 माइनस कॉस 0 -1, सो 3 × 0 माइनस कॉस 0 एंड -1। इसका वैल्यू डायरेक्ट कैलसी से लेना है, जो भी वैल्यू रहेगा वैल्यू कैलसी से लेना है। एंड प्लीज मेक श्योर डैट अगर न्यूटन रैप्सन मेथड में या फॉल्स पोजिशन मेथड में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आता है तो योर कैलकुलेटर शुड बी ऑन रेडियन मोड कंपल्सरीली। बेसिकली हम जो है तो वो पाए आने पर रेडियन मोड लेते थे, बट यहाँ पे पाए नहीं है तो भी आपको रेडियन मोड लेना है। न्यूटन रैप्सन और फॉल्स पोजिशन दोनों को आपको रेडियन मोड से सॉल्व करना है अगर फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस साइन टैन कुछ भी अगर आया तो। ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है तो फिर मोड का कोई इशू नहीं, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो मोड के हिसाब से वैल्यू चेंज होता है। अगर आपने डिग्री मोड पे सॉल्व किया तो वैल्यू चेंज रहेगा, आंसर अलग आएगा। आपने रेडियन मोड पे सॉल्व किया तो उसका आंसर अलग आएगा। और जितने भी बुक्स है उसके अंदर सभी में रेडियन मोड लेकर सॉल्व किया हुआ है, मीन्स जो भी बंदा आपका पेपर चेक करने वाला है फ्यूचर में तो वो बुक्स में से आंसर लेकर जाएगा, वहां पे रेडियन मोड का आंसर रहेगा। तो अगर आपने डिग्री मोड से अगर सॉल्व किया तो आपके वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। ओके, पहले एफ ऑफ 0 फाइंड करना है। तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू कैलसी से अगर आपने फाइंड किया 3 × 0 माइनस कॉस 0 -1, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा -2। इसके बाद आपको एफ ऑफ 1 फाइंड करना है, मीन्स गिवन फंक्शन का वैल्यू एक्स इक्वल टू 1 पे। तो फिर से सेम इक्वेशन, ये इक्वेशन में एक्स की जगह पे 1 हम पुट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा राइट हैंड साइड 3 × 1 माइनस कॉस 1 एंड -1 एज इट इज। ठीक है, अब इसको फिर से आपको कैलसी से सॉल्व करना है। तो इसको कैलसी से सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 1.459। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखा है, आपको इसमें कैलसी यूज करना है
थ्री इंटू वन माइनस कॉस वन माइनस वन। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि हमने पहले एफ ऑफ जीरो निकाला, फिर एफ ऑफ वन निकाला। एफ ऑफ जीरो का जो वैल्यू आया था इट इज माइनस टू, मीन्स ये वैल्यू निगेटिव है, और एफ ऑफ वन का वैल्यू जो है पॉजिटिव है। तो हमें इस टाइप से वैल्यू चाहिए होता कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन चाहिए। कंपल्सरी नहीं है कि पहले निगेटिव आना चाहिए, पहले पॉजिटिव रहा तो भी चलेगा, बट निगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन एडजस्टमेंट वैल्यूज निगेटिव पॉजिटिव अगर आते हैं तो हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। अगर सपोज एफ ऑफ वन भी अगर निगेटिव आता है तो फिर हमें एफ ऑफ टू लेना पड़ेगा, एफ ऑफ टू भी अगर निगेटिव आया तो फिर एफ ऑफ थ्री लेना पड़ेगा। तो जब तक निगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज कंटिन्यू में नहीं आएंगे तब तक हमें ये कंटिन्यू करना होता है। बट यहाँ पे हमें दो ही वैल्यूज के अंदर निगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन मिल गया, तो वी विल स्टॉप हियर। वी गॉट हियर अपोजिट साइंस, इसको हम बोलते हैं अपोजिट साइन, एक वैल्यू पॉजिटिव दूसरा वैल्यू निगेटिव। अपोजिट साइन के वैल्यू मिल गए, अपोजिट साइन के वैल्यू मिल गया मीन्स हमें हमारा इनिशियल रूट मिल गया। अभी अपोजिट साइन कौन से वैल्यूज के ऊपर आया ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वी गॉट अपोजिट साइंस, वी गॉट अपोजिट साइंस फॉर एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू वन। हमने फंक्शन के अंदर एक्स इक्वल टू जीरो पुट किया और एक्स इक्वल टू वन पुट किया तो हमें अपोजिट साइन मिल गए। इट मीन्स डेट कि हमारा जो इनिशियल रूट रहेगा एक्स जीरो हमें चाहिए था, तो एक्स जीरो को आप ये दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आप एक्स जीरो को जीरो ले सकते हो, आप एक्स जीरो को वन भी ले सकते हो, आपके पास चॉइस है कि दोनों में से आप कोई भी लो। आपने जीरो लिया तो भी चलेगा, वन लिया तो भी चलेगा। बट अभी हमें फाइनल आंसर पता नहीं कि ये जो इक्वेशन लिखा है जिसका हम रूट फाइंड कर रहे हैं उसका फाइनल आंसर क्या रहेगा। अभी सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हैं कि फाइनल आंसर ये जीरो और वन के बीच में रहेगा। ठीक है, सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड रूट लाइज, रिक्वायर्ड रूट लाइज बिटवीन एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू वन, ये दोनों के बीच में हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है। अभी एक्स इक्वल टू जीरो और वन के बीच में मीन्स 0.1 हो सकता है या फिर उधर 0.9 भी हो सकता है, तो अभी हमें पता नहीं है। एक्स इक्वल टू वन सपोज आप ये अगर इनिशियल वैल्यू अगर लेते हैं एक्स जीरो का, एक्स इक्वल टू वन अगर लेते हैं और मान लो कि आंसर जो है वो 0.1 आने वाला है, तो फिर आपके नंबर ऑफ स्टेप वो ज्यादा जाएंगे कि एक्स इक्वल टू वन है फिर उसका नेक्स्ट वैल्यू कम होगा, फिर वो कम होगा, कम होते होते फिर 0.1 पे आएगा। बट अगर सपोज आप एक्स इक्वल टू जीरो ले रहे हैं, इनिशियल रूट एक्स जीरो का वैल्यू आप जीरो ले रहे हैं और फाइनल आंसर जो आने वाला है वो मान लो कि 0.9 आने वाला है, तो फिर से ही यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप बढ़ जाएंगे कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0.9 तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो इसलिए हमेशा हम इसमें सिंप्लीफिकेशन ये कर सकते हैं कि एकदम पहले वाला इनिशियल वैल्यू जो है वो भी नहीं लेना है, लास्ट वाला वो भी नहीं लेना है, ये दोनों के बीच में का सेंटर हम ले सकते हैं, मीन्स वी कॉल इट एज एवरेज। सो देयरफॉर लेट एक्स जीरो इट इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिखा है रिक्वायर्ड रूट लाइज बिटवीन जीरो एंड वन, जीरो और वन के बीच में आंसर आने वाला है। तो एक्स जीरो इट इज इक्वल टू जीरो प्लस वन, अब ये दोनों का एवरेज लेना है तो जीरो प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, ऊपर दो नंबर का एडिशन किया तो नीचे टू से डिवाइड करते हैं, एवरेज जिसको हम बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अप डिवाइडेड बाय सॉरी एडिशन ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो जीरो प्लस वन अपॉन टू मीन्स ये 0.5, तो हम यहाँ पे एक्स जीरो जो लेने वाले हैं इट इज 0.5। ठीक है, मीन्स हमने बीच में कर लिया, एक्स जीरो को हमने जीरो भी नहीं लिया और एक्स जीरो को हमने वन भी नहीं लिया, हमने बीच में कर लिया सेंटर। अब फाइनल आंसर कुछ भी रहे वो 0.99 रहे या 0.11 रहे तो हम अभी सेंटर में चल रहे हैं, मीन्स हमारे नंबर ऑफ स्टेप जो है वो दोनों की तरफ साइड में बराबर जाने वाले हैं। वही अगर सपोज हमने एक्स इक्वल टू एक्स जीरो इक्वल टू जीरो या एक्स जीरो इक्वल टू वन लिया तो भी आंसर आ जाएगा, बट नंबर ऑफ स्टेप जो है कम ज्यादा हो सकते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा इनिशियल रूट। अब इनिशियल रूट आने के बाद अब लिखना है हमें फॉर्मूला बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड वी हैव। अभी न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला जो है तो इट इज एक्स प्लस वन एक्स एन प्लस वन इट इज इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एन। ये रहा फॉर्मूला ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड फॉर मार्केट एज इक्वेशन वन एंड इट इज फॉर एन इक्वल टू जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, एन इक्वल टू जीरो से ये स्टार्ट होगा। अभी फर्स्ट रूट हमें फाइंड करना है,
नंबर वन फर्स्ट रूट, फर्स्ट रूट मीन्स एक्स वन फाइंड करना है। तो इक्वेशन वन का जो लेफ्ट हैंड साइड है इट इज एक्स एन प्लस वन, ये एक्स एन प्लस वन यहाँ पे लिखा है। इस पे से हमें एक्स वन फाइंड करना है, एक्स वन फाइंड करना है मीन्स एन इक्वल टू जीरो पुट करना पड़ेगा। सो फॉर एन इक्वल टू जीरो इक्वेशन वन विल गिव एन इक्वल टू जीरो, कंप्लीट इक्वेशन में पुट करना है। तो एन की जगह पे जीरो अगर पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा एक्स वन, राइट हैंड साइड में एन इक्वल टू वन अगर पुट किया तो ये फर्स्ट टर्म, एन इक्वल टू जीरो अगर पुट किया तो ये बन गया एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स जीरो। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला चेंज, एन इक्वल टू जीरो के लिए फॉर्मूले में चेंज हो गया। अब इसमें हमें न्यूमिनेटर में एफ ऑफ एक्स जीरो चाहिए, डिनोमिनेटर में एफ एफ डैश ऑफ एक्स जीरो चाहिए। ठीक है, तो अभी एफ ऑफ एक्स जीरो और एफ डैश ऑफ एक्स जीरो, तो एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स हमने स्टार्टिंग में निकाला है, ये रहा एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स, ये रहा एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इट इज थ्री एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस वन, और ये रहा एफ डैश ऑफ एक्स। तो इसमें आपको करना क्या है, सिर्फ एक्स की जगह पे एक्स जीरो लेना है, एक्स की जगह पे आपको सिर्फ एक्स जीरो लेना है, मीन्स एफ ऑफ एक्स पे से एफ ऑफ एक्स जीरो अगर लिखना है तो ये बन जाएगा थ्री एक्स जीरो माइनस कॉस एक्स जीरो माइनस वन। ठीक है, इसको हम इक्वेशन वन टू थ्री कुछ मार्क कर सकते थे बट जाने दो, इक्वेशन वन हमने आगे मार्क किया है तो कीप इट एज इट इज। इसको अभी ऐसा लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू एक्स जीरो एज इट इज माइनस इन ब्रैकेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स जीरो, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, या फिर एफ ऑफ एक्स जो ऊपर है उसी को चेक कर लेते हैं, अभी इसको फिर से लिखने का काम नहीं। एफ ऑफ एक्स इट इज थ्री एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस वन, तो एक्स की जगह पे एक्स जीरो लेना है, ये बन जाएगा थ्री एक्स जीरो माइनस कॉस एक्स जीरो माइनस वन, ये होगा एफ ऑफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश। तो एफ डैश के अंदर भी हमें एक्स की जगह पे एक्स जीरो लेना है, तो एफ डैश इट इज थ्री प्लस साइन एक्स, माइनस जीरो तो निकल जाएगा, थ्री प्लस साइन एक्स, सो इसका वैल्यू अपॉन में आएगा थ्री प्लस साइन एक्स की जगह पे एक्स जीरो हमें लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स जीरो का वैल्यू पुट कर दो, एक्स जीरो का वैल्यू इनिशियल रूट जो हमने निकाला है एक्स जीरो इट इज 0.5, यहाँ पे हमने निकाला है, तो एक्स जीरो की जगह पे 0.5 उसमें पुट कर दो, तो हमें एक्स वन मिल जाएगा, एक्स वन इट इज इक्वल टू 0.5 माइनस इन ब्रैकेट थ्री इंटू 0.5 माइनस कॉस ऑफ 0.5 माइनस वन एंड अपॉन अपॉन में नेक्स्ट ब्रैकेट थ्री प्लस साइन ऑफ 0.5। इस कंप्लीट इक्वेशन में एक्स जीरो का वैल्यू हमने पुट कर दिया, अब ये जो टर्म है इसको डायरेक्ट कैलसी पे सॉल्व करना है, 0.5 माइनस थ्री इंटू 0.5 माइनस कॉस ऑफ 0.5 माइनस वन अपॉन थ्री प्लस साइन ऑफ 0.5। और याद रहे कि कैलसी यूज करते टाइम पे जो ब्रैकेट यहाँ पे इक्वेशन में दिख रहा है एज इट इज ब्रैकेट आपको कैलसी में लेना है, एक भी ब्रैकेट अगर आपने नहीं लिया तो समझ दो कि आपका एक तो एरर आएगा या वैल्यू रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू रॉन्ग नहीं होना चाहिए इसलिए ब्रैकेट को मिस करना नहीं है, ब्रैकेट केयरफुली कैलसी में लेना है, और ये पूरा का पूरा टर्म कैलसी में कैलकुलेट करने के बाद आपको एक्स वन का आंसर मिलेगा, यहाँ पे जो है वो एक्स वन आएगा 0.6085, ये रहेगा एक्स वन का आंसर बाय यूजिंग कैलसी 0.6085। एंड अगेन रिमेंबर दैट योर कैलकुलेटर शुड बी ऑन रेडियन मोड, रेडियन मोड पे कैलसी चाहिए, डिग्री मोड पे सॉल्व करना नहीं है। ओके नाउ एक्स वन हमें मिल गया मीन्स फर्स्ट रूट आ गया, अब इसके बाद सेकंड रूट फाइंड करना है। सो सेकंड रूट मीन्स अभी हमें एक्स टू फाइंड करना है, तो पहले फॉर्मूला चेक करो, ये रहा फॉर्मूला न्यूटन रैप्सन का, फॉर्मूले पे से हमें एक्स टू फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स एन प्लस वन है, यहाँ पे एन इक्वल टू जीरो पुट किया तो एक्स वन मिला था, अभी एक्स टू फाइंड करना है मीन्स एन इक्वल टू वन पुट करना है, तो पूरे इक्वेशन वन के अंदर एन इक्वल टू वन, सो फॉर एन इक्वल टू वन इक्वेशन वन गिव्स एन इक्वल टू वन अगर पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बन जाएगा एक्स वन प्लस वन मीन्स एक्स टू, राइट हैंड साइड एक्स एन मीन्स एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन एंड अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स वन। ठीक है, इट इज इक्वल टू, अब ये एफ ऑफ एक्स वन एफ डैश ऑफ एक्स वन जो रहेगा, तो फिर से जैसे हमने ऊपर लिखा था ये रहा इक्वेशन फर्स्ट रूट के लिए,
एक्स जीरो माइनस थ्री इंटू एक्स जीरो माइनस कॉस एक्स जीरो माइनस वन अपॉन थ्री प्लस साइन एक्स जीरो। तो ये इक्वेशन में सिर्फ एक्स जीरो की जगह पे हमें एक्स वन लेना है, एक्स जीरो की जगह पे हमें सिर्फ एक्स वन लेना है। तो ये बन जाएगा एक्स वन माइनस थ्री एक्स वन माइनस कॉस एक्स वन माइनस वन, ये होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन अपॉन डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव जो है तो इट इज थ्री प्लस साइन ऑफ एक्स वन, ठीक है, ये हो गया एक्स जीरो की जगह पे अभी एक्स वन। अब इसके अंदर हमें एक्स वन का वैल्यू पुट करना है, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स वन, सो एक्स टू इज इक्वल टू, एक्स वन का वैल्यू क्या मिला है हमें 0.6085। तो 0.6085 माइनस इन ब्रैकेट थ्री इंटू 0.6085 माइनस कॉस ऑफ 0.6085 माइनस वन अपॉन इन ब्रैकेट थ्री प्लस साइन ऑफ 0.6085 ब्रैकेट कंप्लीट। अब ये टर्म जो है फिर से इसको आपको कैलसी पे सॉल्व करना है पूरा का पूरा जैसे पहले सॉल्व किया था। और एक चीज आप ये कर सकते हो कि ऑलरेडी आपने सेम टाइप का इक्वेशन पहले कैलसी पे सॉल्व किया है तो उसको इरेज करना नहीं है, वापस से आप बैक बटन से सेम इक्वेशन पे जा सकते हो जहां पे हमने एक्स जीरो का वैल्यू पुट किया था। अभी सिर्फ वो एक्स जीरो का 0.5 निकाल के आपको वहां पे 0.6085 लेना है, मींस पूरा डबल से टाइप करने का काम नहीं, सिर्फ 0.5 की जगह पे 0.85 आपको करना है। तो अब ये बन जाएगा एक्स टू इट इज इक्वल टू, कैलसी पे सॉल्व करने के बाद एक्स टू का जो वैल्यू आएगा इट इज 0.6071। इस टाइप से आपको एक्स टू का वैल्यू मिलेगा। ओके नाउ एक्स टू आने के बाद अभी थर्ड इटरेशन, तो अभी ये तो चलता रहेगा, पहले हमने एक्स वन निकाला फिर एक्स टू निकाला फिर एक्स थ्री आएगा एक्स फोर आएगा एक्स फाइव आएगा, ये वैल्यू चलते रहेगी। बट हमें स्टॉप कब करना है, कब हमें पता चलेगा कि हमें फाइनल आंसर मिल गया, तो जब भी दो एक्स के वैल्यूज कंटिन्यू, दो एक्स के वैल्यूज सेम आ जाएंगे, सेम मीन्स पूरे के पूरे वैल्यू सेम चाहिए, एक भी डिजिट चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ये लिखा नहीं है कि हमें कितने डिजिट तक सोल्व करना है, तो मिनिमम चार डिजिट तो लेकर आपको सोल्व करना ही है, चार डिजिट तक सेम वैल्यू चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हो एक्स टू का जो वैल्यू है वो 0.6071 और एक्स वन का जो वैल्यू आया था इट इज 0.6085, मीन्स दो डिजिट चेंज है, पहले 85 आया था अभी 71 आया, मीन्स हमें फिर से एक्स थ्री फाइंड करना है। तो जब तक पॉइंट के बाद के चारों डिजिट सेम नहीं आ जाएंगे तब तक हमें ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। तो अभी निकालना है हमें थर्ड रूट। थर्ड रूट, तो थर्ड रूट के लिए फॉर एन इक्वल टू टू, इक्वेशन वन गिव्स एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू टू अगर पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन वन का एक्स एन प्लस वन ये बन जाएगा एक्स थ्री दैट इज इक्वल टू एन इक्वल टू टू के लिए एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स टू एंड अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स टू दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू एज इट इज माइनस एफ ऑफ एक्स टू। तो सेम जैसे हमने पहले लिखा था, ये जो इक्वेशन हमने ऊपर लिखा था थ्री एक्स वन माइनस कॉस एक्स वन माइनस वन, अभी इसमें एक्स वन की जगह पे एक्स टू लेना है हमें, तो ये इक्वेशन सेम रहेगा सिर्फ एक्स वन की जगह पे अभी हमें यहाँ पे एक्स टू लेना है। ओके तो एक्स वन की जगह पे हमें एक्स टू लेना है, मीन्स थ्री एक्स टू माइनस कॉस एक्स टू माइनस वन, थ्री एक्स टू माइनस कॉस एक्स टू माइनस वन एंड अपॉन का जो टर्म रहेगा उसके अंदर भी एक्स वन की जगह पे एक्स टू लेना है, तो थ्री प्लस साइन एक्स वन था ये बन जाएगा थ्री प्लस साइन एक्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स टू का वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स टू का वैल्यू अगर पुट किया तो इट इज 0.6071 माइनस इन ब्रैकेट थ्री इंटू 0.6071 माइनस कॉस ऑफ 0.6071 एंड माइनस वन एज इट इज मेन ब्रैकेट कंप्लीट अपॉन थ्री एज इट इज प्लस साइन ऑफ एक्स टू मीन 0.6071 ब्रैकेट कंप्लीट मेन ब्रैकेट कंप्लीट। अगेन ये टर्म फिर से आपको कैलसी पे सिंप्लीफाई करना है, इसको कैलसी पे सिंप्लीफाई कर लो, पहले ऑलरेडी आपका सेम टाइप का इक्वेशन कैलसी पे टाइप किया हुआ है, वहां पे 0.6085 की जगह पे 6071 आपको सिर्फ करना है, बाकी पूरा फॉर्मेट वही रहेगा। और ये सॉल्व करने के बाद कैलसी पे आपको इसका आंसर आएगा 0.6071, ये रहेगा आपका एक्स थ्री का वैल्यू। ओके सो अब इसको एक बार चेक करो कि आपका एक्स टू क्या था, एक्स टू का जो वैल्यू था इट इज 0.6071 और एक्स थ्री जो है ये भी 0.6071, मीन्स वी गॉट सेम वैल्यूज, अभी पॉइंट के बाद के चारों डिजिट सेम है। सो सिंस
वैल्यूज ऑफ एक्स टू एंड एक्स थ्री आर सेम, एक्स टू एंड एक्स थ्री सेम है, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट इज एक्स इक्वल टू 0.6071। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर जो हमें गिवन इक्वेशन का रिक्वायर्ड रूट फाइंड करना था। अभी आप ये आंसर को देख सकते हैं कि इट इज 0.6071, और हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा है, इनिशियल रूट के टाइम पे ये चेक करो, इनिशियल रूट के टाइम पे हमने ये लिखा है कि रिक्वायर्ड रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, मीन्स आपका जो आंसर है वो 0 और 1 के बीच में ही रहना चाहिए, 0 से नीचे नहीं जाएगा और 1 के ऊपर नहीं जाएगा। हमने यहाँ पे 3 रूट निकाले और तीनों भी बार हमारा जो आंसर था वो 0 और 1 के बीच में ही है। अगर इसके बाहर अगर जा रहा है, इट मीन्स डेट कहीं ना कहीं पे आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है। ओके, और एक चीज हमेशा याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए रेडियन मोड कंपल्सरली आपको लेना है। ओके, सो विद डैट वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।